मॉडर्न हिस्ट्री की बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बैंकिंग और राज्य पीसीएस या एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीजीपीसीएस, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूरोपियंस का आगमन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने यूरोपियंस के आने के कारण समझा चुका है, बहुत छोटा सा वीडियो था। अब इसमें हम जान रहे हैं कि पुर्तगाली के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनसे भी क्वेश्चन बनता है, वो सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 1453 में भारत और यूरोप के बीच में मसालों का व्यापार जारी था, पर 1453 में तुर्की में उस्मानिया सल्तनत ने यूरोपियंस को भारत जाने से जमीनी स्थल या भारतीय के जो जमीनी रास्ता से यूरोप और भारत जुड़े थे उसको बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप यूरोपियन ने नदी के समुद्र के रास्ते भारत आने का मार्ग प्रशस्त किया और वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत में सफलतापूर्वक आ गए। जो वास्को डी गामा भारत आए तो हम सभी को मालूम है कि उनका जो पहला आगमन है वो कलिकट में हुआ और कलिकट में वो पहुंच करके आए। जब वो कलिकट पहुंचे तो ऐसा बताया जाता है कि उनका जो स्वागत है वो वहां के लोकल किंग जैमोरिन ने किया। तो जैमोरिन ने, जो कि वहां का एक लोकल राजा था, उसने किया, परंतु लोकल राजा था। उस वक्त दक्षिण भारत में साम्राज्य किसका था? तो याद रखिएगा, जब पुर्तगालों का भारत में पहला आगमन हुआ या वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ, तो उस वक्त भारत के दक्षिणी भारत हिस्से में, क्योंकि केरल में पड़ता है हमारा कलिकट, यहाँ पे जिसका शासन था उसको कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य का शासन था। और ये जो जैमोरिन नाम का राजा है, ये जैमोरिन नाम का राजा राजा इमादी नरसिम्हा के कंट्रोल में आता था, यानी कि राजा इमादी नरसिम्हा यहाँ के मेन हेड राजा थे, जिनके अंदर में ये एक रीजनल राजा हुआ करता था। अब हम सभी को मालूम है कि 1498 में कैलिकट पहुंचा वास्को डी गामा, लेकिन इसका रूट क्या था? अब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि बार्थोलोमियाजो डियाज ये भी निकले थे भारत की तलाश में, परंतु भारत आने के लिए जो जल मार्ग है वो ऐसा है कि अफ्रीका होते हुए भारत तक हम पहुंच गए। तो बार्थोलोमियाज 1487 में भारत की तलाश में निकले थे और वो अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन अफ्रीका आकर के वो मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाए और अफ्रीका से ही वो बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका से ही वापस चले गए। अफ्रीका में वो आए थे उत्तर मानसा अंतरीय नाम की जगह में। तो एक्चुअल में वास्को डी गामा भी वहीं से ही निकले और उत्तर मानसा अंतरीय नामक जगह, जो कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में आते, जिसको कैप ऑफ द गुड होप भी कहा जाता है, यहां पे पहुंचे और यहां से फिर ये आगे बढ़े, ये वापस निकले, यहां से ही आगे बढ़े। और बोलते हैं ना, फिर इन मन, आप अगर सतत प्रयास करेंगे तो मंजिल आपको मिलेगी। यह बिल्कुल भारत के करीब पहुंच गए, लेकिन भारत के करीब पहुंच करके जैसे ही भारत के बॉर्डर में पहुंचे, उनको ये समझ नहीं आया कि गुजरात तरफ जाएं या भारत के दक्षिणी भाग तरफ आगे बढ़े, कहां ज्यादा फायदा है, भारत एक्चुअल में कहां है। तब उस वक्त एक नाम याद रखना है, अहमद मजीद। अहमद मजीद वो व्यक्ति साबित हुआ जो इनको पथ प्रदर्शक करेगा, इसलिए अहमद मजीद नाम का एक पथ प्रदर्शक है जो इनको भारत के नजदीक आने के बाद में पथ दिखाएगा और इनको कलिकट ला करके छोड़ देगा। फिर हमने जानते हैं कि जैमोरिन का स्वागत होगा जो विजयनगर साम्राज्य के राजा इमादी नरसिम्हा के अधीन आता है। अब ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगाल भारत आया, फिर और भी यूरोपियन भारत आने लगे? एक्चुअल में मसाले की तलाश में तो भारत आए ही थे, यहाँ पे आया और मसालों को ले जाकर के यूरोप में बेचा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 60 times इसने ज्यादा मुनाफा कमाया। परिणाम यह हुआ कि वास्को डी गामा इतना मसाला कमाया तो उसको आ तो गया था आइडिया कि अब कमाई कैसे करना है। 3 भारत आया ऐसा बताया जाता। तो सन याद रखिएगा, सबसे पहली बार 1498 में आया, फिर दोबारा आया 1502 में, और फिर तिबारा आएगा 1524 में। पर जो तिबारा 1524 में आएगा ना, तो ये वापस नहीं जा पाएगा, जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि 1524 में मच्छर के काटने की वजह से इसे हो जाएगा मलेरिया का रोग और मलेरिया के रोग में इसकी भारत में ही मृत्यु हो जाएगी। तो 3 भारत आया, 1498 में, 1502 में और 1524 में। याद रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट किस्सा, ये कभी पूछा नहीं जाएगा पर कभी पूछ ले तो बता दीजिएगा कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो 170 लोगों के साथ आया था करीबन, और जब वापस गया था तो कुछ लोग मलेरिया के कारण, कुछ लोग विटामिन सी की कमी के कारण, या कुछ लोग खाने पीने या आदि समस्याओं के कारण आते वक्त या जाते वक्त ही खत्म हो चुके थे। यानी कि कुल मिलाकर के जब इनका वोट फिर से वापस यूरोप पहुंचा था तो 170 में से सिर्फ और सिर्फ 54 लोग ही यूरोप पहुंच पाए थे, बाकी सब खत्म हो चुके थे। इससे यह समझ में आता है कि उस वक्त जो जल मार्ग था वो कितना कठिन था। आखिरकार अब और भी डच, डैन, बहुत से लोग आएंगे हमारे देश में, आखिरकार ये लोग क्यों आए?
तो हमको मालूम चलता है कि जो व्यक्ति आया भारत और 60 गुना मुनाफा कमाया, वो कितना बड़ा मुनाफा हो सकता है। और इसी वजह से पुर्तगाल अब अमीर होने लगेंगे, पुर्तगाल का भी ध्यान ज्यादा भारत की ओर जाएगा, परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अन्य कंपनियां भी भारत की ओर आकृष्ट होंगी। हालांकि अभी बहुत लंबे समय तक पुर्तगाल का ही शासन भारत में रहने वाला है। तो आप सभी को अभी तक की क्लास याद रखनी है कि अभी हमने ये जाना कि बार्थोलोमियास डियाज नाम का एक व्यक्ति या एक नाविक या एक यात्री 1487 में भारत की तलाश में निकला तो जरूर था, और वो अफ्रीका तक पहुंचा भी था, लेकिन अफ्रीका से आगे नहीं बढ़ा, अफ्रीका से ही वापस चला गया। अंततः वो केप ऑफ द गुड होप या फिर उत्तर मानसा आंतरी नामक जगह से, जो कि अफ्रीका में है, यहां से वापस चला गया। और बार्थोलोमियो डियास के नाम पे इंडिया की खोज या इंडिया तक जल मार्ग की खोज नहीं हो पाई। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले भी मसाले का व्यापार यूरोप से हम करते थे, लेकिन वो थल मार्ग के थ्रू था, बाय लैंड था, लेकिन क्योंकि बीच में इस मार्ग को तुर्की ने बंद कर दिया, इस वजह से अब ये समुद्री मार्ग की खोज हुई। इसके पहले भी हमने एक शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की ही इच्छा में 1492 में अमेरिका को खोज लिया था, और अमेरिका को ही घोषणा कर दी थी कि ये इंडिया है। आखिरकार वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत खोजने में सफल हुए, वो भी उत्तर मानसा अंतरीय द्वीप तक आए और फिर भारत के आगे आए, और फिर अहमद मजीद नामक पथ प्रदर्शक की मदद से भारत के कालीकट नामक बंदरगाह में, जो कि मालाबारा तट पर पड़ता है, यहाँ पर 20 मई 1948 को पहुंचे। जैमोरिन ने स्वागत किया, विजयनगर साम्राज्य में आता था और इमादी नरसिम्हा यहाँ के मुख्य राजा हुआ करते थे। मसालों से 60 गुना कमाई करी और 1498, 1502 और फिर 1524 में तीन बार भारत आगमन करेगा, तीनों बार कमाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश 1524 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा पुर्तगाली जिसकी पहली कदम भारत में पड़ी, इसका नाम आपको याद रखना है, बस दिमाग में रखना है, ये है पेंड्रो अल्वारेज कैम्ब्रिज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 1500 में आएगा दूसरा पुर्तगाली। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब यह भारत आया ना, तो अब तो ये लोग थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, ये लोगों का व्यवसाय करना भी आ चुका है, क्योंकि 2-3 साल इनको भारत में रहते हुए हो चुके हैं। तो ये भी आया और इसने पहली फैक्ट्री स्थापित करी। तो इसलिए याद रखिएगा कि पुर्तगाल पहले कहाँ है, तो पुर्तगाल का पहला कदम वास्को डी गामा ने कैलीकट में रखा, पर अभी तक सब कुछ अस्थायी रूप से चल रहा था, लेकिन पुर्तगाल के द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना, याद करिएगा फैक्ट्री को ही गोडाउन भी कहा जाता है, और कई जगह हिंदी भाषा में फैक्ट्री के लिए ही दुर्ग का उपयोग भी किया जाता है। तो इन्होंने जो पहली फैक्ट्री की स्थापना करी वो 1500 में करी। और याद रखिएगा पेंड्रो अल्वारेज कैम्ब्रिज नाम का व्यक्ति, और इसने कोची केरल में, कैलीकट पहुंचे थे ये लोग पहली बार, लेकिन फैक्ट्री की स्थापना कोची केरल में कर रहे हैं, इसी को ही दुर्ग, इसी को ही ये लोग फैक्ट्री या इसी को ही गोडाउन भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो फैक्ट्री थी वहां पे कोई उत्पादन तो होता नहीं था, तो मसाले का व्यवसाय, यहाँ पे मसालों को स्टोर करके रखा जाता था जिससे सड़े नहीं, पानी से बचे रहे और भी अन्य प्रकार की प्राकृतिक वातावरण से बचे रहे। अरबी, और यहीं पर एक बहुत खास चीज होगी, इसलिए हमने पेंड्रो अल्वारेज कैम्ब्रिज जो कि 1500 में भारत आया, इसका नाम याद कराया है। ये दूसरा पुर्तगाल है जो कि अब वास्को डी गामा के बाद में भारत आया। एक और इम्पोर्टेंट जो आपके मन में आएगा कि जब 170 लोग बोट में सवार होकर के वास्को डी गामा के साथ भारत आए थे, तो आखिरकार ये क्यों नहीं कहा जाता कि उन 170 में से किसी एक को कह देते कि ये भारत में पहली बार कदम रखा, सिर्फ वास्को डी गामा का ही नाम क्यों लिया जाता है। विद्यार्थियों याद रखिएगा, भले 170 लोग आए थे तो पर उस बोट का जो संचालन कर रहा था, उस बोट को जो गाइड कर रहा था, उस बोट का जो मास्टर था, वो वास्को डी गामा था, उसी के इशारों पर बोट चली थी, इस वजह से वास्को डी गामा को ही प्रथम भारत के जल मार्ग का, यूरोप से भारत की ओर जल मार्ग का खोजकर्ता माना जाता है। दूसरा पुर्तगाली मैंने बताया पेंड्रो अल्वारेज कैम्ब्रिज नाम का व्यक्ति है, पेंड्रो अल्वारेज कैम्ब्रिज नाम का व्यक्ति है, 1500 में भारत आएगा और 1500 में भारत में आने के बाद में कोची में एक फैक्ट्री की स्थापना करेगा। और यहीं पर अरब, उस वक्त भारत में अरबियों का शासन है गुजरात की इस जगह में, और पुर्तगाल हमारे केरल और कर्नाटक, केरल गोवा के इस तरफ में ये लोग हैं, अब गुजरात में, और ये दोनों के बीच में ना एक तरह का व्यवसाय हो रहा है, और जल जो मार्ग है यहाँ पे इन लोगों के बीच में बार बार यूरोप आना जाना होता है, तो यहाँ पे अरब वाले लोग और इनके बीच में युद्ध हो जाएगा, ये युद्ध की स्थिति बन जाएगी। तो अरबी और पुर्तगालियों के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनेगी, इसी में पेंड्रो अल्वारेज कैम्ब्रिज जो कि द्वितीय पुर्तगाली यात्री है, इसने एक इम्पॉर्टेंट चीज बोल दी, इसने बोली कि हमें अब सिर्फ व्यापार ही नहीं करना है,
व्यापार कर रहे हैं तो कई डाकू मिलेंगे, कई गुंडे मिलेंगे, कई दुश्मन बनेंगे। जब धनी होते हैं तो दुश्मन बनते हैं ना, तो हम धनी हो रहे हैं, धीरे धीरे हम संपन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे हम कामयाब हो रहे हैं, तो कई हमारे दुश्मन बनेंगे। तो किसने? पेड्रो अल्वारेस कैम्ब्रेज ने, जो कि 1500 में भारत आया था, कोची में फैक्ट्री स्थापित किया था। इसने बोला कि हम व्यापार तो करेंगे ही, पर अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए, व्यापार में अगर कोई दुश्मन रोड़ा आए तो उसको हटाने के लिए हम हथियार का भी उपयोग करेंगे, हम हथियार भी रखेंगे, हम ट्रेनिंग भी लेंगे, हम युद्ध भी लड़ेंगे। और इसी को कहा गया गन बोट नीति, या फिर गन बोट की कूटनीति, या फिर गन बोट की स्ट्रैटेजी। आप जो भी कह लीजिए, गन का मतलब होता है गन और बोट का मतलब होता है नाव। तो उस वक्त तो व्यापार नाव से ही किया जाता था। तो इसने ही, कभी पूछा जाए गन बोट की स्ट्रेटेजी, गन बोट की नीति किसने दी थी, तो गन बोट की नीति पेड्रो अल्वारेस कैम्ब्रेज ने दी थी। यह द्वितीय यूरोपियन है, या ये कह लीजिए द्वितीय पुर्तगाल है जो भारत आया है जल मार्ग के थ्रू। 1500 ईस्वी में इसी ने ही कोची में फैक्ट्री की स्थापना करवाई है। अरबी और पुर्तगाल के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसने एक थ्योरी निकाली, और ये थ्योरी पुर्तगाल लोगों के द्वारा दी गई है कि कनबोट कूटनीति हम करेंगे। अब याद रखिएगा, इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो तो कोची में स्थापित हुई 1500 में, लेकिन अब इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है वो कन्नानूर में स्थापित होने जा रही है। और कन्नानूर में इस फैक्ट्री का जो नाम है वो फोर्ट सेंट एंजेलो नाम का ये फैक्ट्री है। फोर्ट सेंट एंजेलो नाम की ये फैक्ट्री है, फोर्ट सेंट एंजेलो नाम की ये फैक्ट्री है। तो फोर्ट सेंट एंजेलो नाम की फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्री कन्नानूर में स्थापित हो गए। अब इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आ रहा है, और इसका हमको सन भी याद रखना होगा, 1505 से लेकर के 1509, 1505 से लेकर के 1509 के बीच में। अब जो व्यक्ति आ रहा है इसका नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेरा, फ्रांसिस्को दी अल्मेरा। फिर से सुन लीजिए, फ्रांसिस्को दी अल्मेरा, फिर से सुन लीजिए, फ्रांसिस्को दी अल्मेरा। कब आ रहा है? 1505 में। कब आ रहा है? 1505 में, फ्रांसिस्को दी अल्मेरा। क्या खासियत है सर इसकी? सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये ना तो ये नाविक है, ना तो ये ट्रेवलर है, ना तो ये कोई खोज करता है, ये तो बकायदा पुर्तगाल सरकार के द्वारा अपॉइंट किया हुआ गवर्नर है। आज के समय में भी आप राज्यपाल सुनते हैं ना, तो उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे, और गवर्नर उस वक्त कंपनियों में एक कानून व्यवस्था, जिस देश में ये है उस देश में कानून व्यवस्था, एक स्थायी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। उस वक्त के गवर्नर ऑफिशियल्स और कंपनियों को नियंत्रित रखने के लिए, सही तरीके से टैक्स और नियमों का संचालन करवाने के लिए। तो भारत में पुर्तगाल के द्वारा नियुक्त किया गया प्रथम गवर्नर, अगर कभी पूछा जाए तो फ्रांसिस्को दी अल्मेरा का नाम लिख देंगे, पहला गवर्नर बनने जा रहा है। पहला यात्री हमने वास्को डी गामा देख लिया, दूसरा भी देख लिया, फ्रांसिस्को दी अल्मेरा क्या बनने जा रहा है? फर्स्ट गवर्नर बनने जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसको भारत भेजा गया? तो इसका उद्देश्य तो कानून व्यवस्था ये सब तो था ही, इसके छोर में इसका मुख्य उद्देश्य था कि पुर्तगाल साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक संगठन है, अब इनको साम्राज्य स्थापित करना है। और साम्राज्य स्थापित करने के लिए फ्रांसिस्को दी अल्मेरा की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीति आई, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी आई, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, नीले पानी की नीति कहा जाता है। और ये नीले पानी की नीति क्या थी? आप सभी को मालूम होगा कि प्रशांत महासागर जो है हमारा, हमारा जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के थ्रू ही इनका आना जाना चलता था। यूरोप आने जाने के लिए हिंद महासागर का ही ये लोग उपयोग करते थे, मुंबई की इस तरफ, महाराष्ट्र की इस तरफ जो महासागर है, गुजरात महासागर। अब इधर हिंद महासागर का ये लोग उपयोग करते थे अपने आवागमन के लिए। और इस हिंद महासागर में इनको एक और खतरा था, याद रखिएगा, इनको खतरा था कि अभी तक के तो हम पुर्तगाली व्यवसाय कर रहे हैं, पर ये बात कि हम अमीर हो रहे हैं, हम सोने की चिड़िया को धीरे धीरे सस्ते रेट में सामान लेके महंगे महंगे रेट में यूरोप में बेच रहे हैं, ये अंग्रेजों को, ये डेन को, ये डच को, ये फ्रेंच को, ये किसी और को मालूम चल गई तो वो भी आ जाएंगे भारत, फिर तो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, फिर तो हम अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे, फिर तो हम इतना मुनाफा नहीं कमा पाएंगे कैसे, तो हमें अंग्रेजों को, डेन को, फ्रेंच को, अन्य यूरोपियन देशों को भारत आने से रोकना है, यानी कि हमको हमारा एक छत्र अधिकार भारतीय व्यवसाय पे बनाए रखना है, हमको हमारी मोनोपोली इंडियन जो हमारा व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, उस पर बनाए रखना है। और इसी के लिए उन्होंने लागू कर दी ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मेरा में। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या हुआ, फ्रांसिस्को दी अल्मेरा ने कहा कि हम एक बहुत सशक्त, बहुत ही ज्यादा मजबूत नौसेना का निर्माण करेंगे, और ये नौसेना का काम रहेगा
कि ये पूरे चप्पे चप्पे में हिंद महासागर में तैनात रहेगी, और अगर कोई भी दूसरे यूरोपियन देश का व्यक्ति या बोट या नाव या कोई भी ऐसी चीज, संदिग्ध चीज जो भारत में प्रवेश की कोशिश करेगी, उसे वहीं मार गिराया जाएगा या उसे बंदी बना लिया जाएगा। और यही ब्लू वाटर पॉलिसी का कारण था विद्यार्थियों, कि लंबे समय तक 1602 तक या 1600 तक कह लीजिए, कोई अन्य देश पुर्तगाल के छोड़ कोई अन्य देश 100 साल तक या 102 साल तक आप कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल भारत में एक छत्र शासन करेंगे, कोई दूसरा देश नहीं आएगा। उसके बाद में अन्य देश आने शुरू करेंगे, और आप समझ सकते हैं पुर्तगाल सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1947 के बाद तक गोवा में इनका कब्जा था। अब अपन आगे चलते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि नीले पानी की नीति किसने दी, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने ये नीति हमें प्रदान करी। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट नाम आ जाता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये 1509 से लेकर के 1515 तक ऐसा कुछ रहेगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर होगा, अल्मेडा के बाद में सेकंड गवर्नर ये बनने वाला है। और ऐसा माना जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी तो उसने लाई थी, परंतु वास्तविक संस्थापक ये बनने जा रहे हैं। अब वास्तविक संस्थापक कैसे बनने जा रहे हैं, देखिए इसने युद्ध लड़ा, वास्तविक संस्थापक ये बनने जा रहा है क्योंकि इसने युद्ध लड़ा, इसने अपना विस्तार किया। वास्तविकता में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने पॉलिसी बना करके अपनी प्रणाली को और अपनी चीज़ों को मजबूत तो किया, परंतु इम्प्लीमेंटेशन अब अल्बुकर्क करने जा रहा है। तो फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क द्वितीय गवर्नर है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कभी पूछा जाए पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप लोग अल्फांसो दी अल्बुकर्क का नाम लिख करके आ सकते हैं। मेन क्या था, 1509 में ये शासन में आया, ठीक एक साल बाद 1510 में इसने युद्ध छेड़ दिया और बीजापुर पे हमला कर दिया, और बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया, और उसमें इसने गोवा को जीत लिया। खास बात इसमें यह है, अब गोवा विजय कर लिया। याद रखिएगा अभी तक के इनकी राजधानी कोची ही है, अभी तक की इनकी राजधानी क्या है, पुर्तगाल की कोची है। पर अभी इसी वक्त जब ये गोवा जीतेगा, तो अब जो अगला हमारा व्यक्ति आएगा ना, वो आपको मालूम चलेगा कि गोवा को अपनी राजधानी बनाएगा कोची से शिफ्ट करके, तो हम उसके बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। अभी ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया है, और इसने सती प्रथा का बहुत ज्यादा विरोध किया। अल्बुकर्क ने सती प्रथा का विरोध किया, गोवा मलाक्का प्रशांत सागर और हिंद महासागर पर इसने कब्जा किया, और इसने एक और पॉलिसी अपनाई, इसने ये समझा कि हमारी सेना कमजोर क्यों और हमें भारतीय अपना नहीं रहे, हमसे भारतीय नफरत क्यों कर रहे, तो इसने कहा कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, जिससे हमारी संतान भारतीयों की तरह नजर आए, भारतीय हमें एक्सेप्ट करें, हमें अलग ना समझें, हमसे भयभीत ना हो, हमसे व्यापार खुलकर करें, और हम भी भारतीयों में घुल मिल जाएं, और हमारी सेना भी मजबूत होगी, जब ज्यादा विवाह होंगे, ज्यादा संतान उत्पन्न होगी, तो हमारी सेना मजबूत होगी। पर अल्बुकर्क जो है ना, बहुत चालाक आदमी था, इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को तो हरा दिया, क्योंकि वो कमजोर था इसके सामने में। लेकिन जब अपन बात करते हैं उसी वक्त समकालीन कृष्णदेव राय की, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, विजयनगर साम्राज्य के ही एक बहुत प्रसिद्ध राजा होने जा रहे हैं, है ना, क्या नाम है, कृष्णदेव राय का। ये बड़े मजबूत और इनकी सेना बड़ी तक्कर की थी, इसको तो नहीं हरा पाता कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो इसने क्या किया, कृष्णदेव राय से कर ली फ्रेंडशिप, और कहा कृष्णदेव राय जी आप तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, आपको जो लगेगा बताइएगा, आपको युद्ध में सेना की आवश्यकता होगी बताइएगा, और इसी वजह से, इसी अच्छे संबंध की वजह से, मधुर मधुर बातों की वजह से, इसने लॉलीपॉप लगाई, घी मक्खन लगाया, और कृष्णदेव राय से भटकल नामक स्थान पर पुर्तगालियों से व्यापार की अनुमति मांग ली। अब ये लोग भटकल में भी व्यवसाय शुरू करने का पूछा, भाई भटकल में व्यवसाय की अनुमति किसने दी, तो कृष्णदेव राय ने दी। कृष्णदेव राय कौन, तो विजयनगर साम्राज्य के महाराठ हैं। अल्बुकर्क के शासनकाल में भटकल में ये लोगों ने व्यवसाय शुरू करी। याद रखेंगे इस दौरान में जो दो यात्री हैं प्रमुख हैं, वो याद रखेंगे आप लोग, डोमिंगो पायस और दुआर्ते बारबोसा, ये दो यात्री आए हैं, डोमिंगो पायस और दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और दुआर्ते बारबोसा, ये लोगों को आप लोगों को याद रखना है। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयरिंग ही हमारे हौसले को बुलंद करता है। वैसे हर एक लाइव क्लास को अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।